नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों वेटैन फिल्म के बारे में आज का वीडियो है। वेटैन के रिलीज होने में अब ज्यादा समय बचा नहीं है। 10 अक्टूबर को फिल्म रिलीज हो रही है तो 8-9 दिन बचे, ट्रेलर कब आएगा? सभी के दिमाग में जो सवाल चल रहा है फिलहाल वही है कि ट्रेलर कब आएगा। तो ट्रेलर आने वाला है दोस्तों, ट्रेलर परसों आने की पूरी संभावना है। 3 तारीख को ट्रेलर आने की संभावना है कि 3 तारीख को ट्रेलर आएगा। हालांकि जब मैंने वीडियो बनाया तब तक मेरे पास ऑफिशियली कंफर्मेशन रिपोर्ट नहीं थी कि 3 अक्टूबर को ट्रेलर आने वाला है, लेकिन चूंकि नवरात्र स्थापना है, नवरात्र शुरू हो रहे हैं माता रानी के, तो डेफिनेटली एक अच्छा मौका है। सुबह सर है, पूरे देश भर में पूजा पाठ का उत्सव का माहौल रहता है, तो डेफिनेटली 3 अक्टूबर को ये ट्रेलर आना चाहिए। मैंने कहीं पे देखा इसके बारे में न्यूज, तो ट्रेलर के लिए तैयार हो जाइए। काफी जबरदस्ती ये ट्रेलर होगा और अमिताभ बच्चन सर और रजनीकांत सर की ये फिल्म, जो कि कई वर्षों के बाद में दोनों साथ नजर आ रहे हैं। हम फिल्म में अंतिम बार उन दोनों को साथ देखा गया था। और एक बात और है दोस्तों इसमें, कि जब जब ये दोनों दिग्गज कलाकार साथ आए हैं तो वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी हिट हुई है। चाहे वो आप गिरफ्तार देख लीजिए, चाहे दोस्तों आप अंधा कानून देख लीजिए, जिसमें अमित जी का एक एक्सटेंडेड कैमियो हुआ था। पहले छोटा सा रोल था, फिर काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया था। और क्या दोनों की जबरदस्त बॉन्डिंग थी, एक्टिंग थी। गिरफ्तार में रजनीकांत सर का एक छोटा सा कैमियो था, काफी जबरदस्त इंटरवल के बाद में पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में। और इसके अलावा दोस्तों फिर हम फिल्म में अमिताभ बच्चन के छोटे भाई का रोल किया था रजनीकांत सर ने, और गोविंदा भी थे उसमें, गोविंदा जी भी थे। तो इसके बाद में ये वेटैन आ रही है, जिसमें अमिताभ बच्चन सर का कोई बहुत बड़ा रोल तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन जितना भी उनका रोल काफी पावरफुल और रहने वाला है, क्योंकि इसमें रजनीकांत सर एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, और अमिताभ बच्चन किस प्रकार से उनका अपोज करते, शायद लॉयर की भूमिका में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाते हैं। तो काफी जबरदस्त एक डायलॉग बाजी इन दोनों के बीच में होगी। जब भी आमने सामने होगी, जब भी इनका फेस ऑफ होगा तो मजा जरूर आएगा, क्योंकि जो दो दिग्गज कलाकारों की एक डायलॉग बाजी होगी तो मजा आएगा। लेकिन अमित जी का ओवरऑल वैसे एक्शन रोल नहीं है इसमें, लेकिन डायलॉग दमदार होने वाले हैं। जैसा कि आपको प्रीव्यू आया था इसका हिंदी, उससे भी आपको पता चलता है। अब ट्रेलर के ऊपर डिपेंड आ रहा है कि ट्रेलर में अमिताभ बच्चन सर के क्या जबरदस्त 2-3 डायलॉग्स दिखाए जा सकते हैं। रजनीकांत सर के तो जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेंगे ही, आपको डायलॉग ही मिलेंगे, लेकिन क्या अमिताभ बच्चन सर के भी कोई 1-2 जबरदस्त डायलॉग सीन देखने को मिलते हैं? जितना बड़ा रोल अमिताभ बच्चन का और जितना पावरफुल रोल अमिताभ बच्चन का इस फिल्म में होगा, उतना ज्यादा हिंदी बेल्ट में विशेषकर इस फिल्म को फायदा होगा। क्योंकि जिस प्रकार से कल्कि को फायदा हुआ, अमिताभ बच्चन का जबरदस्त रोल था कल्कि में, तो वैसे इस फिल्म को भी फायदा होगा। अगर उनके रोल दमदार नहीं हुआ तो फिर डेफिनेटली हिंदी में फिल्म संघर्ष करती हुई दिखाई देगी। हालांकि तमिल में फिल्म काफी अच्छा करेगी। इस बीच खबर ये भी आई थी कि रजनीकांत सर की तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उम्मीद करता हूँ कि वो शीघ्र ही स्वस्थ होकर के, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ शीघ्र ही स्वस्थ होकर घर लौटे और हम सबको मतलब एक संतुष्टि, एक दिल में शांति महसूस हो। बहुत ही बड़े कलाकार है, तो छोटी खबर में देखी थी, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ पाए थे खबर, उस समय ऐसी खबरें चल रही थी। तो जहाँ तक बात करें फिल्म का, टक्कर जिगरा से हो रहा है। एक तो जिगरा फिल्म आ रही है आलिया भट्ट की, उससे टकराएगी फिल्म, काफ़ी ज़बरदस्त फिल्म है वो भी। और इसके अलावा दोस्तों एक विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो, ये भी फिल्म आ रही है 11 अक्टूबर को। तो इन दोनों फिल्मों का साउथ में तो कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हिंदी बेल्ट में जरूर ये फिल्म वेटैन को जबरदस्त टक्कर देगी। तो वेटैन में अमित जी का रोल बहुत पावरफुल होना जरूरी है, स्क्रिप्ट जबरदस्त होना जरूरी है, तभी वेटैन इन दोनों फिल्मों के सामने टिकेगी। बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स की उम्मीद मत करिएगा, हिंदी बेल्ट में ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं मिलेंगे वेटैन को। देखते हैं ये मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। फिलहाल मैं भी ट्रेलर का इंतजार कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय बोलेगा।